नितिन जैन भी हमारे साथ मौजूद है। नितिन, आपकी उम्मीदें बजट को देखते हुए किस तरह से हैं, क्योंकि कुछ ही समय रह गया है, इसको आधार बना के बाजार की रिएक्शन या फिर बाजार की चाल आप किस तरह से देख रहे हैं? बिल्कुल, आप अगर इस बार के बजट को देखें तो मेरे ख्याल से बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट रहेगा ये मार्केट के लिए। हम लोग तीन चीज़ें ब्रॉडली एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बजट से। सम क्लैरिटी, एंड दिस इज़ अ बिग वन, सम क्लैरिटी ऑन GST, और वो कब तक हम जी लोग इस्टेब्लिश कर पाएंगे। आई थिंक दैट विल बी अ बिग वेक्टर फॉर आर मार्केट्स, बिकॉज हमें ऐसा लगता है कि अगर ये GST ढंग से इम्प्लीमेंट हो सकता है तो इससे कम से कम 1.25 से लेके 1.5% तक का GDP में ग्रोथ का फायदा हो सकता है। जी दूसरा जो हमारा एक्सपेक्टेशन है मार्केट से, बजट से, वो ये है कि फिस्कल कंसोलिडेशन की तरफ हमें बढ़ना पड़ेगा। इनफैक्ट मिस्टर चिदम्बरम ने पिछले जितने भी रोड शोज किए हैं या जो भी उन्होंने बात की है उसमें उन्होंने काफ़ी क्लैरिटी दी है, बट उन्हें अब ये बताना पड़ेगा कि हम ये 4.5.3 से 3% तक का रास्ता कैसे तय करेंगे। उसके बारे में अगर मार्केट को थोड़ा सा क्लैरिटी मिलेगा तो वो बहुत अच्छा होगा। पर्टिकुलरली सब्सिडीज़ को लेके उनका क्या विचार है, किस तरह से वो उसको आगे धीरे धीरे कम करना चाहेंगे या फेज आउट करना चाहेंगे, वो एक मार्केट बहुत गौर से देख रहा है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है, मार्केट में अभी बड़ी एक्सपेक्टेशन है कि जो फिस्कल टाइटनिंग होगी उसके साथ साथ थोड़ा सा मॉनेटरी ईजिंग होना चाहिए, और उसके लिए गवर्नमेंट का बोरिंग नंबर क्या होगा वो नंबर बहुत ध्यान से मार्केट देखेगा। जी, आपको एक बार फिर बता देते हैं कि जी बिजनेस लगातार अब कई हफ्तों से देश का नंबर वन बिजनेस चैनल बना हुआ है, करीब करीब 40% मार्केट शेयर के साथ जी बिजनेस देश का नंबर एक चैनल लगातार बना हुआ है। तमाम बिजनेस चैनल्स में, चाहे वो अंग्रेजी के हो चाहे वो हिंदी के हो, जी बिजनेस लगातार नंबर वन चैनल बना हुआ है। आपको बताना चाहेंगे अम्बरीश बालिका हमारे साथ बने हुए हैं, बजट की महा कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं, चाहे वो पोलिटिकल पैनल हो, चाहे वो कॉर्पोरेट पैनल हो, चाहे वो मार्केट के तमाम बड़े चेहरे हो, वो जी बिजनेस पे मौजूद होंगे। पॉलिटिकल पैनल से यशवंत सिन्हा पूर्व वित्त मंत्री, सचिन पायलट केंद्रीय मंत्री, राशिद अल्वी कांग्रेस के प्रवक्ता, चंदन मित्रा बीजेपी के प्रवक्ता, राजीव प्रताप रूड़ी बीजेपी के प्रवक्ता, आदि गोदरेज, तमाम लोग हमारे साथ आज रात को जुड़ेंगे कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क पे अपनी राय देने के लिए आम बजट के ऊपर। और साथ ही होगी आम आदमी की अदालत जी बिजनेस पर। लगातार हम बजट की कवरेज आपको दिखा रहे हैं, हिंदी में बजट भाषण आपको सबसे ज्यादा सटीक विश्लेषण के साथ दिखाएगा जी बिजनेस। आपको हम बता देते हैं देश का नंबर वन बिजनेस चैनल लगातार बना हुआ है। और दर्शकों का एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया हमको ये तवज्जो देने के लिए, हमें नंबर एक बनाने के लिए। हिंदी में बजट भाषण कुछ ही देर में जी बिजनेस पर होगा शुरू, सटीक विश्लेषण के साथ, क्या सस्ता होगा क्या महंगा होगा, मार्केट पर इसका क्या असर पड़ेगा, कमोडिटी मार्केट पर इसका क्या असर पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ जी बिजनेस पर। हम आपको बताना चाहेंगे, हम सिर्फ मेट्रोस की बात नहीं करते, हम आम आदमी की बात करते हैं, इसलिए जी बिजनेस ने इस बजट को नाम दिया है आम आदमी का खास बजट। हमारे साथ अमरीश बालिका बने हुए हैं। अमरीश बालिका, छोटे मझोले निवेशक इस बजट के दिन आज कैसे ट्रेड करें? आपकी तीन रणनीतियां जो छोटे निवेशकों को अपनानी हो आज के बाजार के अंदर, क्विक रिएक्शन टू दिस। No, clearly, I mean, the way the mid-caps have fallen in the past few days, clearly at these levels, काफी mid-caps वैसे हैं where there is a lot of value, but it has fallen just because of the problems, technical issues which the market has faced in the past few days. तो मुझे लगता है कि in case they have a long-term view, I'm not saying it's from a trading point of view, but if you have a view at least beyond the next 8 months to 12 months, जी. This is surely a good time to start picking up these mid-caps. Okay. साथ ही अमरीश, लगातार अगर पिछले बजट पे नजर डाली जाए, जो 7 बजट दिए गए हैं उसमें चिदम्बरम साहब का स्कोर हमेशा 7 के आसपास रहा है 10 में से, जो जानकारों ने दिया है, इस बजट में भी आप उतना ही स्कोर अनुमान लगा रहे हैं, क्या उसी तरह का कुछ बजट देंगे या फिर हो सकता है इस बारी कि बजट में कुछ और भी, एक बम्बास्टिक 1997 जैसा बजट आता हो दिखाई पड़े? 1997 वाला बजट तो मुझे मुश्किल लग रहा है, बट देन येस आई थिंक इट विल बी हाई ऑन दैट स्कोरिंग, बिकॉज द वे आई एक्सपेक्ट इज इट शुड बी आई मीन फिस्कली प्रूडेंट बजट, आई मीन एंड अ वेरी फाइनली बैलेंस्ड बजट विच शुड बी ग्रोथ ओरिएंटेड, बिकॉज दैट्स एग्जैक्टली वॉट आई मीन आर कंट्री रिक्वायर्स राइट नाउ, ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट, एंड बिकॉज ऑफ विच आई फील दैट द सेक्टर्स ही विल पॉसिबली कॉन्सेंट्रेट ऑन वुड बी इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, एंड आई थिंक लाइक कैपिटल गुड्स, विच विल एक्चुअली क्रिएट एम्प्लॉयमेंट एंड किक स्टार्ट द इकोनॉमी।
जी सुमित, वन मोर थिंग, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा कि क्या 1997 के लिहाज का वजह आएगा। मुझे लगता है टफ है ना, इकोनॉमी के पास उतने पैसे हैं ना चिदंबरम साहब के पास उतनी बड़ी लिबर्टी है। इसके साथ साथ और जहां तक मार्केट पार्टिसिपेंट्स की बात है, मुझे लगता है कि जो जी बिजनेस ने स्कोर कार्ड बनाया है उसमें सबसे ज्यादा मददगार चिदंबरम साहब के लिए मार्केट पार्टिसिपेंट्स ही होंगे जो चिदंबरम साहब को अच्छे नंबर देंगे, क्योंकि हमेशा से चिदंबरम साहब की एक नीति रही है कि वो मार्केट्स को खुश करते हैं और इस बार भी इस बजट के अंदर वो एसटीटी की ऐसा लगता है संभावना है। हालांकि हम संभावना लगा सकते हैं एसटीटी की लोअर दर्ज लगाकर कुछ हद तक हम राहत दे सकते हैं एसटीटी के तौर पर। आप देख सकते हैं शिवेंद्र मोहन सिंह हो, चाहे वो और कॉर्पोरेट जगत के बड़े नाम हो, राजन भारती मित्तल हो, वो फिक्की में इस समय जुड़े हैं बजट को देखने के लिए। आप देख सकते हैं ये पहले दृश्य आ रहे हैं जी बिजनेस पर, राजन भारती मित्तल, साथ ही शिवेंद्र मोहन सिंह, फिक्की का पैनल है ये जो इस समय बजट देखने के लिए जुड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कि इस समय कुछ देर में करीब करीब 4 मिनट बाद संसद शुरू होगी। लोकसभा के पटल पर वित्त मंत्री बोलेंगे आई विल प्रेजेंट बजट 2013-14 और 2014 के आम चुनावों से पहले कांग्रेस की अगुवाई में यूपीए 2 का आखिरी आम बजट आम आदमी के नाम हो सकता है। कांग्रेस ग्रोर ग्रुप ने डो टू कराई दी थी वित्त मंत्री को, आम आदमी को राहत देनी होगी। 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव और उसके साथ साथ 2014 में आम चुनाव जो कि होने हैं, हो सकता है ये आम चुनाव 2013 में हो जाए, उससे पहले यूपीए 2 का कांग्रेस की अगुवाई में आखिरी आम बजट, लास्ट चांस जिसमें कांग्रेस को या फिर यूपीए 2 को प्रूफ करना है कि वाकई वो देश में सुधार कर सकती है। अमरीश बालिका और नितिन हमारे साथ बने हुए हैं। नितिन, स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू, लास्ट चांस फॉर यूपीए दिस टाइम, लॉट ऑफ प्रेशर ऑन देम। बिल्कुल आपने सही कहा, ये यूपीए का हो सकता है कि आखिरी बजट हो और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है इस बार, काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगा चिदंबरम जी से, क्योंकि पिछले जो 6 महीने में उन्होंने डिसीजंस लिए हैं वो बहुत ही प्रोग्रेसिव रहे हैं और मार्केट ने उनका बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया है उन डिसीजंस को, और अभी हमारी उम्मीद ऐसी ही है कि आज बजट भी उसी लाइन में होगा कि आपको काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और ग्रोथ ओरिएंटेड बजट मिल सकता है। नितिन, आई जस्ट वांट टू इस पे मैं आपके पास आना चाहूंगा, कैसे रिस्पॉन्सिबल बनाने की कोशिश करेंगे, ही हैज टू बी पॉपुलिस्ट आल्सो, और कहीं ना कहीं जिस तरह से फूड सिक्योरिटी बिल को एग्जीक्यूट करेंगे उसका प्रेशर तमाम तरह से इकोनॉमी पे आता हुआ हमें दिखेगा। उसके अलावा कहीं ना कहीं आम जनता को खुश करने के लिए सुपर रिच पर टैक्स भी लगा सकते हैं, तो किस तरह से रिस्पॉन्सिबल बनाने की कोशिश कर सकते हैं, ये 2 पॉइंट्स ऑन दैट। सी, अगर आप देखें तो पिछले 6 महीने के अंदर सबसे बड़ा जो एक फिस्कल प्रूडेंस की तरफ डिसीजन हुआ है वो ये है कि ऑयल के ऊपर जो डीरेगुलेशन था, खासतौर से डीजल के ऊपर, और अगर आप ये नंबर आपको ध्यान रखना चाहिए कि 1 रुपए के डीजल के मूव से हमें करीब करीब 8,500 करोड़ का फायदा होता है फिस्कल डेफिसिट में जी। और पिछले जो बल्क डीजल का जो डीरेगुलेशन हुआ था उसमें भी आपको करीब करीब 17,500 करोड़ का फायदा हुआ है। मुझे लगता है वो गोइंग फॉरवर्ड भी कंटिन्यू रहेगा। एक एक्सपेक्टेशन इस बार मार्केट की है कि शायद फूड सिक्योरिटी बिल पे थोड़ा सा क्लैरिटी आएगा और हो सकता है उसमें 15,000 से 20,000 करोड़ का और एक्स्ट्रा खर्चा हो, लेकिन आप अगर टोटल सम करके देखें तो हो सकता है कि आपका जो ऑयल डीरेगुलेशन है, हो सकता है कि थोड़ा सा आधार के थ्रू जो कैश सब्सिडीज होंगे उनसे जो बचत होगी वो सब इसको शायद ऑफसेट कर पाएंगे। और अगर कोई बड़ा खर्चा और उन्होंने नहीं दिया और अपने बोरोइंग नंबर को कम रखा जो कि नितिन 3 महीने में ऐसा शो कर चुके हैं जी, तो नितिन नितिन आपके पास हम लौट के वापस आएंगे। हम लोगों को एक बार फिर बताना चाहेंगे कि जी बिजनेस ने अभी तक का सबसे बड़ा पोल कर रहा है जी बिजनेस की, आखिरकार कैसा रहा बजट, आप इस पे वोट कर सकते हैं। वित्त मंत्री का भाषण कुछ देर में शुरू होगा, वो भाषण सुनने के बाद आप वोट कर सकते हैं कि आखिरकार नंबर दे सकते हैं, मार्क्स दे सकते हैं, कैसा रहा बजट। 100 में से भेजे नंबर बजट 13,
स्पेस मार्क्स देखकर 57575 पर आप SMS करें और उससे तय होगा बजट ये पास हुआ या फिर फेल। बजट का स्कोर कार्ड जी बिजनेस ने किया है तैयार, अब तक का सबसे बड़ा स्कोर कार्ड, चाहे वो कॉर्पोरेट गेस्ट हो चाहे वो आम आदमी हो, सबसे लेंगे हम राय। सुमित आपसे भी राय लेंगे, तो तैयार है आप अपनी राय देने के लिए बजट स्कोर कार्ड में? तैयार है, लेकिन इस बीच बाजार तैयार हो रहा है, 130 अंक ऊपर हो चुका है, दोबारा कुछ खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ रही है सेंसेक्स, और 38 अंक ऊपर निफ्टी भी पहुंच चुका है। खास तौर से आज तीन प्रोमिनेंट स्पेस है जिनको बजट से भी उम्मीदें हैं और आज अच्छी तेजी भी देखने को मिल रही है। इसके अंदर रियल्टी इंडेक्स 2.5% ऊपर कामकाज करते हुए, कैपिटल गुड्स इंडेक्स 0.25% के आसपास की बढ़ा देखने को मिली, और पीएसयू स्पेस सरकारी स्पेस में जहां पे उम्मीद लगाई जा रही है कि हो सकता है नवंबर में फिस्कल डेफिसिट या खासतौर से जो विनिवेश के जरिए रकम है उसको बढ़ाई जाए, लगभग 1% ऊपर ये भी कामकाज कर रहा है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो कमोडिटी बाजार के अंदर फ्लैट हो गया बाजार, लगता है लोगों ने अपनी पोजीशंस काट ली है, वो इंतजार नहीं करना चाहते कि बजट में कहीं सीटीटी का ऐलान हो तो क्या होगा उसके बाद। नितिन, सीटीटी पर काफी ज्यादा गर्म जोशी से इंतजार हो रहा है कि क्या पता सीटीटी लग जाए, नॉन एग्री कमोडिटीज पर सीटीटी लग सकता है, ऐसी संभावनाएं दिख रही हैं। क्या आपको लगता है कि मार्केट्स के अंदर वॉल्यूम बहुत कम क्योंकि सीटीटी का डर है, बजट का डर है आज कमोडिटी बाजार को, इसमें कोई दोराय नहीं है? इंटरनेशनल कमोडिटीज सपाट, सोना चांदी सपाट, इस समय सोने के बाजार में कोई मूवमेंट हमें नहीं आती हुई दिख रही, 1-2 रुपए की मूवमेंट है। नितिन जैन, क्विक रिएक्शन टू दिस, CTT good for commodity markets, we know it is not, but what's your take? See, ये बहुत ही लाजमी है कि चूंकि equity markets में STT लगा हुआ है तो किस कभी ना कभी commodity market में भी वो balance करने के लिए CTT लगेगा ही। वो इस बजट में होगा कि अगले बजट में होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। चलिए, संसद की कार्यवाही इस समय शुरू हो गई है, लोकसभा में स्पीकर मीरा कुमार ने अपना का, इस समय हम देखें तो वो लोकसभा की कार्यवाही उन्होंने शुरू कर दी औपचारिक रूप से, कुछ ही सेकंड में बजट पेश होना शुरू हो जाएगा। चिदंबरम साहब लगता है कि तैयारी कर रहे हैं लोकसभा में, इस समय आप देखिए स्पीकर लोकसभा मीरा कुमार इस समय तमाम चीजों गतिविधि को देखते हुए, और उसके बाद ऑफिशियली तरीके से बजट का अनाउंसमेंट शुरू होगा। टेबल थपथपा दिए हैं बजट स्पीकर।